यूट्यूब से पढ़ना वर्थ इट है कि नहीं, चलो बात कर लेते हैं। तीन पॉइंट के लिए बात करेंगे। माइंड जो डाइवर्ट होता है लेक्चर देखते समय, डाउट कहाँ से क्लियर होगा। तीसरा चीज़, प्रैक्टिस या जो आप लोग एग्जामिनेशन देखते हो वो कैसे होगा। तो तीनों चीज़ के लिए बात करूँगा, तो आप लोग प्लीज़ एंड तक देखना। एंड या कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो या नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट ये भी करो कि आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो कि या स्कूल स्टूडेंट हो, ये वीडियो सारे के लिए है। तो प्लीज़ एंड तक देखना एंड चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बस बिफोर स्टार्टिंग मैं बोल दूँ कि ये वीडियो सारे क्लासेस के लिए, लाइक कॉलेज स्कूल जो भी हैं सबके लिए। बस मैं इसमें ये बताने वाला हूँ, यूट्यूब से पढ़ोगे तो वर्थ ही ट्राई कर कि नहीं, मार्क्स अच्छा गेन कर पाओगे कि नहीं। तो लेट्स टॉक इन टू द वीडियो, डीप में जाते हैं, चलो बात करते हैं। तो गाइस पहला पॉइंट था, मैंने बोला था माइंड जो डाइवर्ट करता है यूट्यूब पे वीडियो देखते समय। माइंड डाइवर्ट कैसे करता है, लाइक अगर आप लोग लेक्चर कोई देख रहे हो यूट्यूब पे, क्लास 12 का क्लास 10 का कोई भी लेक्चर देख रहे हो, नीचे रिकमेंडेशन में कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो आ रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली उसको क्लिक कर दोगे, बट एजुकेशन वीडियो को नहीं क्लिक करते हो। तो आपको एक प्लेटफॉर्म ही बनाना पड़ेगा जिसमें माइंड डाइवर्ट नहीं करे, उसमें वीडियो का रिकमेंडेशन भी जो है वो एजुकेशनल वीडियो ही रहे, ताकि आपका माइंड एकदम बिल्कुल भी ना करे डाइवर्ट। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक अलग से प्लेटफॉर्म। अलग से प्लेटफॉर्म मीन्स यूट्यूब पे ही आपको एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, न्यू यूट्यूब अकाउंट। तो उसमें बनाने के बाद आप लोग जो भी एजुकेशनल चैनल है, लाइक क्लास 12 के अगर हो तो क्लास 12 के जितने भी चैनल आप देखते हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, और वो वीडियोज़ अगर आप लोग रेगुलरली देखोगे तो नीचे रिकमेंडेशन में भी वही वीडियोज़ आएंगे, जिससे माइंड डाइवर्ट नहीं करेगा। मैं आगे बात करूँगा वर्थ इट है कि नहीं, पर ये तीनों पॉइंट समझ जाओगे तभी आप लोग समझ पाओगे वर्थ इट है कि नहीं। तो ये पहला पॉइंट समझ कि नहीं, और न्यू यूट्यूब अकाउंट आप लोग कैसे खोलता है आप लोग तो मालूम ही है। तो अगर पढ़ना है यूट्यूब से तो आपको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो माइंड आपका ये एजुकेशनल वीडियो देख रहा नीचे आ रहा है कोई रिकमेंडेशन में, तो आप लोग जाके देख लोगे। तो ये पहला काम करना पड़ेगा अगर आपको। दूसरा पॉइंट है जो आप लोग का डाउट सेशन, मीन्स डाउट कहाँ से क्लियर हो, लाइक अगर स्कूल में आप लोग लेक्चर देखते थे तो आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते थे, मैम मुझे ये बताओ, टीचर ये बताओ मुझे, जो भी आप लोग कर रहा था। बट यूट्यूब पे आप लोग इंटरेक्शन कमेंट में करोगे तो कुछ भी आपको जो है टीचर्स एजुकेटर्स वो रिप्लाई जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं। लाइक मुझे ही बोलोगे बैक टू बैक 100 कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो वही यूट्यूब पे इंटरेक्शन कम है, मीन्स आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन पढ़ाते हैं अच्छे है, बट यही हो गया डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, चलो बात कर लेते हैं। तो डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, कहीं बार स्कूल स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट के लिए पढ़ रहे हो, तो आप लोग कॉलेज में भी पढ़ रहे होगे, कॉलेज या स्कूल वाले को आप लोग फीस तो देते ही होगे, तो उनसे डाउट पूछो। जब उनका कुछ लेक्चर नहीं समझ आ रहा है उनसे डाउट पूछो, ऑनलाइन क्लास चलता होगा पूछो, ज़बरदस्ती पूछो, उनसे नहीं बता रहे तब भी पूछो, अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आप लोग गूगल बाबा अवेलेबल है तो वहाँ से भी जाके पूछ सकते हो, या कोई ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ जो भी आपके स्टूडेंट हैं उनसे पूछो, बट ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको यूट्यूब पे डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आ गया तो आपको डायरेक्टली एजुकेटर कोई रिप्लाई नहीं दे पाएगा। तो दैट्स वाई स्कूल टीचर से पूछ सकते हो, या कोई अपने मेंटर जो भी आपके होंगे उससे, या मेट्स से जो अपने स्कूल मेट्स हैं या ट्यूशन मेट्स जो भी हैं उनसे पूछ सकते हो। तो ये दूसरा डाउट भी मैंने क्लियर किया है, ठीक है, समझ रहे हो तो ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर भी कर दो हर जगह। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप लोग भर भर के बुक ले लेते हो बट प्रैक्टिस नहीं करते हो, सोचते हो ये टॉपिक सर ने पढ़ा दिया, क्वेश्चन करा दिया तो कर लेते हैं, हो गया ओके, बट खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके क्या लिखोगे, वीडियो लेक्चर अटेंड करोगे उसको पेस्ट करोगे, नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाइक अगर स्कूल में पढ़ते थे तो आप लोग का मंथली एग्जामिनेशन होता था, जो भी पीटी वीटी वगैरह जो भी होता था वो होता था, बट यूट्यूब पे तो कोई क्विज वगैरह कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें वीडियो लेक्चर अपलोड हो जा रहे हैं, आपको बस देखना ही है। तो आपको अपने आप से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग बुक लेते हो, बुक लेते हो उसमें क्वेश्चन अवेलेबल रहता है उसको सॉल्व करो, या जो स्कूल के एग्जामिनेशन हो रहे हैं हाफ ईयरली जो भी हो रहे हैं उसको सॉल्व करो, उसको अटेंड करो, जो भी एग्जामिनेशन कहीं पे भी हो रहा है तो आप लोग करना पड़ेगा, ये पॉइंट है। एग्जामिनेशन जहाँ भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है आपको करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे से दे पाओगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी आपका रहेगा, मेन एनुअल एग्जाम जो रहेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, मेरा क्लियर हो रहा है तो आप लोग ये तीनों पॉइंट समझ जाओगे। माइंड डाइवर्ट का मैंने सॉल्व कर दिया, डाउट कहाँ से क्लियर करें ये भी मैंने बता दिया। थर्ड चीज़, जो आपका प्रैक्टिस रहता है एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिस करोगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग एग्जामिनेशन कुछ नहीं लिख पाओगे। तो तीनों चीज़ का मैंने डिटेल में बात किया, अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अभी रही बात की यूट्यूब से पढ़ना ठीक है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं, देखो लेक्चर्स हो मैं बोलूँगा क्लास 12 के लगभग, क्लास 10 के लगभग, 12 मीन्स स्कूल स्टूडेंट तक अवेलेबल हैं लगभग, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हो गए हैं हमारे यूट्यूब पे, तो वर्थ इट तो है।
बट ये नहीं कि आप लोग एक घंटे का लेक्चर देख ले तो उसके बाद आप लोग अपने आप से सॉल्व नहीं करोगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो थ्योरी को नहीं समझोगे बुक्स नहीं रीड करोगे तो आपका कुछ भी नहीं क्लियर होगा। जैसे स्कूल में पढ़ने के बाद आप लोग घर पर जाकर पढ़ते थे वही काम आपको यूट्यूब से भी पढ़ना पड़ेगा। मीन्स इसको समझ लो क्लासरूम में पढ़ना पड़ेगा बट वही डाउट सेशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए अपने आप से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यार बहुत गर्मी हो रहा है, चलो एंड करता हूँ वीडियो को। बाकी यस अब ये बात करें एक बार ये भी मैंने बोल ही दिया कि वर्थ इट है, जस्ट आपको भी इसमें आपको घुसना पड़ेगा अंदर तभी आप लोग यूट्यूब से अच्छे से पढ़ पाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म पढ़ पाओगे। लाइक देखो अभी अन अकेडमी जो भी है सब प्लेटफॉर्म है वहाँ पर माइंड डाइवर्ट नहीं करता क्योंकि वहाँ पर पूरे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं बट यूट्यूब पर क्या है बहुत सारे टाइप्स के वीडियो आ गए हैं तो आप लोग को माइंड डाइवर्ट करेगा। तो मैंने तीनों चीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए हैं, माइंड डाइवर्ट का, डाउट सेशन का, लाइक प्रैक्टिस का, तो तीनों को अटेंड करना, तीनों को जो मैंने बोला है और हो जाएगा यार अच्छे से समझ जाओगे। तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना भैया मैंने अच्छे से ये सब पूरा हो गया एंड मेरा कुछ भी अब प्रॉब्लम नहीं आ रहा है यूट्यूब से पढ़ते समय। इसलिए याद रखना कि यूट्यूब से पढ़ोगे तो आप लोग ये मत सोचना कि 90 एबव नहीं ला पाएंगे या 100 तक नहीं ला पाओगे बट खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी ना। अभी ये नहीं कि लेक्चर देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया तो बस हो गया, उसको इसको मतलब प्रैक्टिस करोगे तब ना, इसको लाओ अपने लाइव एग्जांपल में लाओ, मैंने भी बता दिया जस्ट हो गया आपका ख़त्म काम। इसको लाओ अपने लाओ प्लेटफॉर्म बनाओ जो मैंने बोला लाइव सब कुछ करना पड़ेगा तभी अच्छे से हो पाएगा वर्थ इट तभी रहेगा। ठीक है तो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।